हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी अड्डा। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं अतुल सिंह। आइए दोस्तों, बात करते हैं आज केमिस्ट्री पार्ट 13 की। दोस्तों, ये आपका आज का केमिस्ट्री का ये लास्ट वीडियो है, यानी इसमें हम पूरी केमिस्ट्री के लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कम्प्लीट कर लेंगे। कल से मे बी मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको कराऊँ। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? दोस्तों, 1984 में मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इस दुर्घटना में लगभग माना जाता है कि 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों, जिस गैस के कारण यह घटित हुई थी वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। जी हाँ दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था जिसके कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, इतने बड़े लेवल पे, और काफ़ी दुखद घटना थी ये। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसे याद रखें, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट, ओजोन में होती है क्या? दोस्तों, ओजोन में केवल ऑक्सीजन पाया जाता है। जहाँ दोस्तों, अगर ओजोन के हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो होता है O3। दोस्तों, यह शुष्क ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है और इसका उपयोग जो होता है जीवाणुनाशक के रूप में, कृत्रिम रेशे और कपूर बनाने में, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने इत्यादि में किया जाता है। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। तो ओजोन में क्या पाया जाता है? तो केवल ऑक्सीजन। देख सकते हैं, केवल ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, फ्रियॉन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? दोस्तों, फ्रियॉन का यूज जो हम प्रसितक के रूप में करते हैं, प्रसितक यानी फ्रियॉन कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन का मिलकर के बना एक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र अगर हम बात करें तो वो हो जाता है CF2Cl2, जिसमें हम इसे प्रसितक यानी कि कह सकते हैं, जैसे ठंडा वगैरह करने के लिए तो उसमें यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रियॉन का यूज प्रसितक के रूप में, जैसे फ्रिज वगैरह के फ्रीजर में जो है कि हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? तो दोस्तों, ये उत्पन्न गैस होती है मिथेन। जी हाँ दोस्तों, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण जो उत्पन्न गैस है वो मिथेन है। और दोस्तों, यहाँ मिथेन गैस की जो मात्रा होती है काफ़ी अधिक होती है, जबकि कुछ मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की भी पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा होती है मिथेन की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? दोस्तों, पहले हम एसिटिलीन से भी जो है कि गैस फलों को पकाते थे, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1955 की धारा 44A के तहत जो एसिटिलीन गैस है इससे फलों को पकाने पर प्रतिबंध कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि पकाने में प्रयोग कौन सी गैस की जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा एथिलीन। यानी एथिलीन को जो है हम फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट, एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? दोस्तों, जो एस्पिरिन है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है, यानी ऑप्शन डी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है एस्पिरिन। दोस्तों, इसका उपयोग जो है औषधि वगैरह बनाने में हम करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, और इसे हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, और यह एक कीटनाशक रसायन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? दोस्तों, मिथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, और मिथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4, यानी यही है हमारा मिथेन गैस। तो मिथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CH4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैव शैल कौन सा है? दोस्तों, कोयला हमारा इसमें जैव शैल है, ऑप्शन बी।
दोस्तों कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों को बांटा जाता है, जैसे पीट कोयला हो गया, लिग्नाइट कोयला हो गया, बिटुमिनस कोयला हो गया और एंथ्रासाइट कोयला हो गया, जिसमें एंथ्रासाइट कोयला को हम सर्वोत्तम कोटि का कोयला मानते हैं। और कोयला क्या होता है, तो यह एक जैव सेल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। नेक्स्ट, तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा है? दोस्तों तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख जो गैसीय प्रदूषक है वो हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। जी हाँ दोस्तों, कोयले के जलने से प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस है यह, यानी कोयले का जब कोयला जब जलता है तो तापीय विद्युत केंद्र से भी जो है कि कोयले के जलने से तापीय विद्युत केंद्र से जो उत्पन्न होने वाला प्रदूषक है, दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। और दोस्तों यही जो है स्मोग या फिर अम्ल वर्षा का मुख्य कारण बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? दोस्तों पूछ रहा है कि जब भी गोताखोर आप देखेंगे समुद्र में वगैरह में जाते हैं तो मुंह में अपने ऑक्सीजन का जो है कि एक थैला कह सकते हैं, इस तरीके से मुंह में लगा करके लेके जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ और क्या मिला होता है? दोस्तों वो होता है हमारा हीलियम। जी हाँ दोस्तों, गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम जो है का मिश्रण दिया जाता है, और ये किस में होता है, तो हाइड्रोजन और सॉरी ऑक्सीजन और हीलियम इसमें 1:4 के रेशियो में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जहाँ दोस्तों अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक होता है जो कि वनस्पति को नष्ट कर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक होने के कारण। नेक्स्ट, धूम्र कोहरा और मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? दोस्तों वो है हमारा पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, ओजोन और पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट मिलकर धूम्र कोहरा बनाते हैं। दोस्तों ओजोन कपड़ों और रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट आँखों में जलन पैदा करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कैवेंडिश जिनका पूरा नाम है सर हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा नाम है, और इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, और कब की थी, तो वो हो जाएगा 1766 ईस्वी में। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? दोस्तों सिल्वर आयोडाइड का भी यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका भी यूज किया जाता है, और सूखी बर्फ इसका भी प्रयोग हम करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए हम इन तीनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट, खोई का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? दोस्तों खोई क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों गन्ना आप सभी जानते होंगे गन्ना क्या होता है। दोस्तों जब गन्ने को पेर करके हम रस निकालते हैं, तो रस निकालने के बाद जो बचा ठोस पदार्थ होता है, जो ईख का जो ठोस पदार्थ होता है, वही जो है खोई कहलाता है, और दोस्तों आजकल यह जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो खोई का प्रयोग किसके यूज में किया जाता है, तो दोस्तों खोई का प्रयोग जो है हम आजकल कागज बनाने के लिए करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, कागज। नेक्स्ट, कागज बनाया जाता है किससे? दोस्तों कागज का जो निर्माण होता है वो पौधों के सेल्युलोज से होता है, यानी गीले तंतुओं को दबाकर और सुखाकर कागज बनाया जाता है, और ये तंतु होते हैं ये सेल्युलोज की ही लुगदी होते हैं, जो लकड़ी घास बांस आदि से बनाए जाते हैं, तो कागज बनाया जाता है पौधों के सेल्युलोज से। नेक्स्ट, पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में हम क्लोरीन का यूज करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में पेयजल के शोधन में करते हैं। दोस्तों कोई पेयजल में उपस्थित जीवाणुओं को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। और अगर क्लोरीन के अन्य यूज की बात करें तो इसका यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में और विरंजक के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? दोस्तों जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं, यानी कोयले के खान में काम करने वाले लोगों को ही ब्लैक लंग रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोयले के खान में। नेक्स्ट, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? दोस्तों ये बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए हम हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनी प्रक्रिया द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आज हमने केमिस्ट्री पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। और इसी कड़ी में हम कल से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।